दिलीप दरभंगिया। According to Mr. Warren Buffett, know nothing investors, यानी जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। गुड आफ्टरनून, आप सभी लोग जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे भी है, 26 जनवरी। फिर भी मैं गेस्ट लोग से थोड़ा निपटा हूँ और आपके बीच में आया हूँ। आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बार हम दिए हुए हर रोज एक डोज में भी, और उससे पहले तो है चैप्टर वाइज। तो हर रोज एक डोज का मतलब था सब दिन देखना था आपका, तो वॉइस कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। प्रत्येक दिन कम से कम 1.5 महीना बोले थे और 45 क्लास लगभग होगी भी, 45-40 क्लास माफ कर देंगे आपको। अब टेस्ट की बारी है, आप सभी लोग टेस्ट देंगे। आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश को एक तरह से रिविजन कर रहे हैं, इसलिए आंसर सही था, बस क्वेश्चन समझाते चलेंगे। आधा घंटा 45 मिनट के अंतर्गत आज सारा हो जाएगा, लगभग 95 क्वेश्चन होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत लोग टेस्ट का शेड्यूल नहीं समझ पाते हैं, जबकि टेस्ट के लिए मैंने कह दिया था कि स्पेशल आपको मेरे ऑफिस के तरफ से एक वीडियो रिलीज की गई थी अभिषेक जी के, है ना, शब्दों में, जिसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन पर एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दें, 4-5 दिन पहले की वीडियो है। उस वीडियो को देख करके बढ़िया समझिएगा। 12:05 के बाद आपको दिखाई पड़ने लगेगी, उससे पहले PDF वो ऐप खुलेगी नहीं। बहुत लगा कह रहा टेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखता, सारा ऑप्शंस दिखेगा। साथ ही साथ आपको आज डाउनलोड नहीं करना है, 27 तारीख कल है, 12 से 4 के बीच में परीक्षा होगी। आप देख लो अपना शेड्यूल, 27 जनवरी फर्स्ट टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट है, June 1, 2022 को ही लास्ट गेस 4-5 पेजेस यूट्यूब से फ्री डाउनलोड कर लेंगे। इसके आंसर भी आपको खुद ही चेक करके कंप्यूटर तो नंबर दे ही दे देगी, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप डाउनलोड करना चाहोगे तो 29 से कर सकते हो, ये सुविधा मैं फ्री दे दूंगा। इसके अलावा फाइनल गेस आप 29 तारीख को एक मिनट देखने के लिए, वैसे एटम मैंने दिया ही है, मॉडल पेपर दिया ही है, सब करवा ही दिया है। अब आप एक बार फाइनल देख के एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहते हो तो जाओ, 29 के शाम से डाउनलोड करोगे, 30 को अंतिम क्लास होगी हमारी, 31 को हो सकती है एग्जामिनेशन कैसे दें भाषण होगी, या 30 को ड्रॉप कर देंगे या 31 को, ठीक ना, 2 दिन में कभी भी क्लास ड्रॉप हो सकती है, इसलिए बने हुए रहिए। 26 तारीख है फिर भी मैं आया हूँ, ए दिन ग्रामर का थोड़ा बहुत मिसलेनियस जो बच गया उसको दे देंगे, और आप एग्जामिनेशन की ओर जाएं उसके लिए हिंट कर देंगे, कैसे आंसर्स लिखना है, क्या क्या रूल हैं, कैसे मार्क्स अच्छा आएगा, ये मोटिवेशनल एक स्पीच होगी हमारी, उसको आप देखोगे। पढ़ाई पढ़ाई है, केवल गेस और केवल मॉडल पर मैं लोग अंतिम में सोचता 10-20 दिन, आज भी ले गया मान लो एटम हम, बहुत लोग ये सोचो पढ़ने के 10-20 दिन पहले ले जाओगे कैसे करोगे, और तब हॉप चप होते हो,
समझ नहीं पाते हो, ये सब अच्छी बात नहीं है, ठीक से देखना होगा मेरे लालू, और कल परीक्षा दे दो, कल एक बुलेटिन जाएगी, कल या परसों एक मैंने 29 तारीख को या 30 तारीख को अंतिम भाषण सुनते हुए परीक्षा हॉल में घुस जाना। अंतिम गेस्ट पेपर के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री डाउनलोड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से होगा, लिंक बोल दी जाएगी, दे दी जाएगी। थैंक यू, तब तक परीक्षा है, टाइम इसका है 12 बजे से दोपहर से, चार बजे शाम तक, इट मीन्स 4 PM तक एक एक घंटे का टेस्ट होगा। सब लोग अपने अपने मोबाइल पर बनाएंगे, मास्क खुद ही आपको चेक करके मिल जाएगी, ये एक दूसरे का दिखाई नहीं पड़ेगा, अपना अपना टेस्ट होगा। और कैसे देंगे एग्जामिनेशन, स्पेशल वीडियो उसमें है, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें उसको देखिएगा, है ना, और आराम से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। लिंक खुलेगी लेकिन ऐप पर तब खुलेगी जब 12 बज जाएगी उसके बाद, तब तक आप लिंक पर जाना सीख जाइए, वीडियो को देखकर सब काम कर लीजिए। और आइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आंसर सही है, सिर्फ क्वेश्चन समझाते हुए आंसर बोलते हुए हम चल जाएंगे, आज कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज इन चारों में से किसका है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, कंट्री की भाषा नहीं है, स्टेट की भाषा नहीं है, दुनिया की भाषा है, विश्व की भाषा है, ठीक ना, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज राइट ना आंसर दिया हुआ है। हम बोले ना बोले आज आंसर दे दिए, चूंकि रिवीजन हो रहा है एक तरह से। द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टूडे, आज पूरी दुनिया में विस्तारित भाषा है वह कौन सी भाषा है, इंग्लिश, इसलिए आंसर डी में है। अब लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज, चाइनीज से भी अधिक बड़े क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इंग्लिश, है ना, आंसर सी इंग्लिश। बस क्वेश्चन समझ लो मेरे लालू। चौथे नंबर, हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, कौन इन चारों में से ऐसी भाषा है जिसमें इसके नेटिव स्पीकर देसी वक्ता की संख्या बहुत ज्यादा जरूरी ज्यादा है। प्रियंका कुमारी आईएएस गर्ल, आज गुड आफ्टरनून हमने कह दिया, थोड़ी भाषण परीक्षा के लिए दे रहा था, और लास्ट गेस को देखना एक बार है और जाना है। जहां तक गेस का मामला है, गेस गेस होता है, पढ़ाई पढ़ाई है, अच्छे रिजल्ट पूरे मार्क्स लाने हैं, जो भी अपने यहाँ से टॉपर हुआ किए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए तो होते रहे हैं या स्टेट टॉपर में भी चौथा रैंक था अभिषेक वगैरह का, सभी लोग पढ़ाई भी करता था, राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाता था, आप पास आराम से कर जाओगे, इतना वीडियो देखे हो सुने हो ऑब्जेक्टिव से पास कर जाओगे, ये बड़ी बात नहीं है। 50 नंबर से लेकर 70 के बीच तो हरहा सुरहा को आएगा, थोड़ा बहुत जो देखा पढ़ा है, बाकी ऊपर आने के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहते हो दुनिया का कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं जो बिना पढ़ाई पर हो जाए, और भी ऑब्जेक्टिव के में पूरे कॉन्सेप्ट पर बनेगा लालू। देखो तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स किसकी है, आप देखते हो इंग्लिश की, इंग्लिश की एरिया बड़ी है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, सबसे अधिक संख्या चीनी भाषा को मिली, यह विशेषाधिकार इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज में मेरी भाषण भी है, आप वीडियो में देख सकते हो, राइट ना। नेक्स्ट पांचवी, इंग्लिश इज यूज एज ए, कौन से भाषा के रूप में किया जाता है, यूके में, यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इतना देश इसलिए दे दिया, कभी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम कर दे, यूएसए कर दो। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उतना ही नहीं, एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री एक्सेप्टेड इट, इट हैज बीन द वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इट इज यूज्ड इन थ्री वेज, तीन तरीके से इसका यूज किया जाता है, इन इट मीन्स इन थ्री फॉर्म्स, नंबर वन एज ए फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, और सेकेंड लैंग्वेज इट मीन्स सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड थर्ड एज ए फॉरन लैंग्वेज। तो इन सब देशों में फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग के रूप में बोली जाती थी, तो इसको सी में ले गए, मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज। अब है दूसरा, इंग्लिश इज यूज्ड एज इन मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में
इंग्लिश को किस भाषा के रूप में बोला गया? द्वितीय भाषा। इन इंडिया, सिंगापुर, बोट्सवाना, नामीबिया, नाइजेरिया, इन सब में तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में था। इनमें से कोई देश दे दे, जैसे पूरे इंडिया में धरल ले बोलोगे सेकेंड लैंग्वेज, बोट्सवाना, सिंगापुर, मलेशिया, सब में सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इसको स्टडी किया गया, विस्तारित यूज किया गया। इन नॉन इंग्लिश कंट्रीज, बहुत सारे गैर अंग्रेजी देश में, सच एज चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इराक, मैक्सिको, ये सब मैक्सिको, ब्राजील इसी में है, ठीक है ना, मैक्सिको, ब्राजील, ये सब इसी में है, मैक्सिको। ब्राजील ये सब इसी में आया। इन सब में पूछे किस रूप में, आराम से जवाब देना है, एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो आंसर बी, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। अभी में क्या है मेरे को देखने भी तो दो, फॉरेन लैंग्वेज। आठवीं क्वेश्चन पर आप आ गए हो, कम टाइम लगेगा, डाटा कम खर्च होगा, समय भी कम लगेगा, हाँ हाँ, फॉरेन लैंग्वेज। तो चलिए आप लोग बना भी इसका मतलब बहुत जल्दी लेते हो, बिना बोला हेलो हेलो हाय करने की जरूरत नहीं है बच्चे। 26 जनवरी है, लोगों का आना जाना है, और इस बीच से निकल कर हम आए हैं जो 35-40 मिनट क्लास मात्र लेकर के आपको संदेश दे दे, कल परीक्षा होगी, मैं आपके लिए हूँ, परीक्षा का दिन है इसलिए मैं कट के आया हूँ। तो प्रोग्राम लंबी नहीं हो सकी चूँकि बंद था ना, बंद नहीं होती तब तो सांगीतिक कार्यक्रम वगैरह में मैं फंस जाता, फिर भी आता। हाँ रूपम, वॉइस लैंग्वेज बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, कौन सी ऐसी भाषा जिसको पूरे दुनिया संबंध है, पूरी दुनिया से ताल्लुकात है? इंग्लिश। बस क्वेश्चन समझ जाओ, कॉन्सेप्ट रहेगा तो बना लोगे, और जो नहीं बनेगा ना तो हम समझाएंगे। 60 क्वेश्चन ग्रामर से बीसी बनाना, उसमें से मेन है 61 से लेकर 100 किताब से, 30 तो आराम से बनेगा, 30, 20, 50, 100 में से 50 बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, है ना। इंग्लिश हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड के साथ कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार की भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में वाणिज्य व्यापार की भाषा इंग्लिश ही है। आइए तो आंसर देखते रहना है एक राउंड। दसवां क्वेश्चन नंबर 10, हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे, ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात का नियंत्रण, इन सब की भाषा जो बनी हुई अंग्रेजी है, उतना ही नहीं डिप्लोमेसी, कूटनीति की, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीटिंग की भाषा, आ धोनी मान लो या विराट कोहली सब अपने देश में खेलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, जब विदेश जाएंगे इंटरनेशनल गेम में तो इंग्लिश में इंटरव्यू होगी, इंग्लिश में सारी चीज, मोदी जी जाएंगे देश विदेश में कूटनीति की करने के लिए तो इंग्लिश भाषा होगी, एयरपोर्ट्स पर जाओगे घरेलू उड़ान में, यहां से पटना से दिल्ली कोलकाता वगैरह अपने देश में हिंदी इंग्लिश सब चलता है, परंतु इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाओगे तो केवल इंग्लिश कम्युनिकेशन होगी। ट्रैवल असिस्टेंस प्लीज, द पासपोर्ट ऑफिसर गोइंग टू चेक योर वीजा एंड पासपोर्ट, प्लीज कम एंड क्यू, इट मींस आप कतार में होइए, पासपोर्ट ऑफिसर जा रहे हैं आपका चेक करने, वीजा लिए, यानी एवरीथिंग इस तरह से इंग्लिश होती है। आप इंग्लिश को ठीक से, आंसर दिख रहा है गुरुजी, इसलिए दिख रहा है, ये रिवीजन है, ये आपको करना नहीं है, मैं एक बार करवाया हूँ, ये दोबारा करवाया, इसलिए आंसर सही दे दिया हूँ, ठीक ना, मैंने पहले ही कह दिया ना, या तो इसकी भाषा इंग्लिश है, बनाना नहीं है, जल्दी से हम निपटाएंगे। कौन सी ऐसी भाषा है जैसे इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया, या विश्व की भाषा यानी वर्ल्ड लैंग्वेज, या ग्लोबल लैंग्वेज वैश्विक भाषा, अरे भैया इंग्लिश, इंग्लिश को ये सब कहा गया, चाहे वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, है ना, ग्लोबल लैंग्वेज हो, इंस्टीट्यूट पे टेस्ट कॉपी मिलेगी। देखिए टेस्ट कॉपी मिलती यदि खुली हुई रहती, भीड़ नहीं लगाना है, 6 तारीख तक मुख्यमंत्री जी रोके हुए हैं केवल परीक्षा होगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डाल रहे हैं। हाँ कुछ बच्चे जो नहीं दिए हैं या नहीं दे सकेंगे वो हमसे पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको 27 के बाद मिलेगी, 28 या 29 को हमसे कम्युनिकेशन कर लोगे व्हाट्सएप करके और तब आ सकते हो, ऐसे नहीं तो उतना कॉपी हम निकलवा देंगे, वैसे तुम लोग भी डाउनलोड कर लोगे, हम डाल ही देंगे उस पर में, फ्री डाउनलोड कर सकते हो, लास्ट गेस का कोई दाम नहीं होता, लेकिन लास्ट गेस उसी से बनेगा जो एटम बम मॉडल पेपर देख चुका है, कुछ मॉडल पेपर में है, कुछ एटम बम में है, सब चीज अलग अलग है, तो इसमें इंग्लिश आंसर होगा 11। चलो
इंग्लिश को दुनिया का कौनसी माना जाता है? याद रखना, इंग्लिश इज कॉल्ड द विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए खिड़की है। दुनिया को देखना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो इंग्लिश जानना पड़ेगा मेरे बच्चों। यानी इंग्लिश सी विंडो टू द वर्ल्ड। आगे, कौन सी ऐसी भाषा जिसको विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया की खिड़की माना गया, या वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इंग्लिश को ही दुनिया की खिड़की मानी गई। आंसर बी। कौन सी ऐसी भाषा है जो लार्जर एरिया देन द एरिया ऑफ चाइनीज, चाइनीज से भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो अंग्रेजी का क्षेत्र है। पूरी दुनिया में लगभग देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन चाइनीज भाषा, चीनी भाषा केवल चाइना में, और चाइना के लोग जहीं तहीं रहते कम कम वहां। इसलिए चाइना की संख्या ज्यादा होते हुए, नेटिव स्पीकर्स ज्यादा होते हुए, फर्स्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं कहलाया। क्यों? सारे एरिया, सारे देश ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इंग्लिश ऐसी भाषा है पूरी दुनिया ने घुमा फिरा कर एक्सेप्ट किया। चलो मेरे बच्चे, आंसर इज ऑल्सो यूज L1, L1 माने लैंग्वेज वन, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब भारत में जो पैदा हुआ था अंग्रेज लोग, भारत में उत्पन्न अंग्रेज, वो भी यूज करते थे इंग्लिश को ही नेटिव लैंग्वेज के रूप में, ठीक ना? कम्युनिटी ऑफ इंडिया, आंसर सी। कौन सी भाषा का यूज करते थे? इंग्लिश। हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ, की भाषा बन गई है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, एयरपोर्ट्स, डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स मीटिंग, कुछ पूछ दे, इन सब की भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश व्हिच लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लिंक लैंग्वेज, करी वाला, जोड़ने की भाषा। एक देश से दूसरे देश जुड़ते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति आप अच्छे अच्छे माहौल में जाकर के जुड़ते हो, तो लिंक जोड़ने का काम ये भाषा करी का काम करती है, वो अंग्रेजी है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, आपकी प्रथम है ना पर्सनालिटी दिखती है, और उसके जस्ट बाद आप लोग चलते हो। जी इंग्लिश, इंग्लिश ऐसी भाषा है जो नहीं छोड़ेगा, मर मृत्यु के बाद जमराज भी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं, तब स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो बस समझ लो, शादी के पहले, शादी के बाद, नौकरी के पहले, नौकरी के बाद, मरने के पहले, मरने के बाद इंग्लिश, है ना? प्ले इंग्लिश, ईट इंग्लिश, एंजॉय इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश, ड्रिप इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, देन इंग्लिश विल बी वर्स। ओके, छेदीलाल इंग्लिश, ठीक है। सदकिन फातिमा भी है ना? सारे लोग क्लास कीजिए, और जिन लोग को दिक्कत है, इंग्लिश खूब मजबूत नहीं हुए हो, तो कोरोना काल इस बार बहुत जल्दी इंजेक्शन लग रही है सभी नवयुवक को, सब लोग लगवा लीजिए। हम भी लगवाया है हाल में, टाउन हॉल में लगवाया नहीं था अभी तक। सब लोग निश्चिंत हो जाइए, और तब धरल ले, अब क्लास जल्दी गवर्नमेंट खोल देगी। महाराष्ट्र खुल रही है, हरियाणा खुल रही है, बिहार की भी नंबर फरवरी में कभी भी आ जाएगी, उसके बाद जल्दी बंद नहीं होगा, है ना? तो आप लोग इंजेक्शन जरूर लगवाइए। आगे, लिंक लैंग्वेज इंग्लिश ही है। इंग्लिश इज स्टडीज एज ए लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया। अभी हाल में पढ़े थे सऊदी अरबिया, चाइना, जापान, UAE, इन सब में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, कौन रूप में? सी, फॉरेन। द स्कॉलर जिप्सी को किसने लिखा? मैथ्यू आर्नोल्ड। ये सब नाम है, नाम वाला लिस्ट क्लास में दिए थे, उससे आप देखोगे लगभग बन जाएगा, और जो कसर है आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखे होंगे, कुछ मॉडल पेपर में, एटम बम में, कुछ ना कुछ हम जगह जगह देते रहा यूट्यूब पर में, यही तीन से लिंक रखो ना, अच्छा नंबर आ जाएगा। अब राइटिंग एबिलिटी एक दिन की चीज़ है नहीं, वर्ड एबिलिटी एक दिन की चीज़ है नहीं, आप इंग्लिश को इतनी मजाक में लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सालों भर पढ़ते हैं उसमें भी टेंशन, और इंग्लिश पढ़ते ही नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत टेंशन तो होगा, और बिना भाषा के अच्छा रिजल्ट हो जाए नहीं। हिंदी को भी नजरअंदाज मत कीजिए, अब गेस में गेस, सुपर गेस, पढ़ाई पढ़ाई है, सर का दो क्लास बाकी है, एक अंतिम मॉडल, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बताएंगे सर, और एक अंतिम भाषण, बस दो क्लास, तब तक हिंदी पीछे से है, उसको देखिए। द स्कॉलर जिप्सी की को किसने लिखा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ये ड्रामा शब्द कहां से आया? ग्रीक शब्द से। ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस पूछता, थिंग डन एज एक्टिंग। ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स, ड्रामा और प्ले सिनोनिम्स हैं, बट द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले इन आवर कंट्री। हमारे देश में ड्रामा शब्द प्ले सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। एंड लवली कर्ण, सदकिन, रंजन वर्मा, तो आ जाइए इसमें क्या होगा? ग्रीक, आ जाइए ग्रीक, हाँ ए। The major linguistic change known as, सबसे बड़ा बदलाव
लिंग्विस्टिक में क्या हुआ था, वॉवेल शिफ्टिंग। तो वॉवेल शिफ्टिंग हुआ था। अब दो कंसोनेंट को देखते हो, जब डबल होता है तभी कहीं कहीं दिया जाता है दो के बीच शब्द बनाने के लिए। जैसे कैट लिखोगे तो सी ए टी थोड़ी लिख दोगे, उसके बीच एक वॉवेल शिफ्टिंग हो रही है, सी ए टी कैट, है ना। अब देखते हो कोई शब्द लो, पेन लो, लव लो, हेट लो, बॉबल है बीच बीच में शिफ्टिंग किया है, उसी बॉबल शिफ्टिंग का शुरुआत मिडिल ईस्ट टाइम में हुआ था, तो ग्रेट बॉबल शिफ्टिंग को लिंग्विस्टिक चेंज माना गया। आगे अनटचेबल एंड कोली किसके द्वारा लिखी गई, मुल्क राज आनंद, ये सब तो नाम है, रटना होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए आंसर सही दे दिया हूं। एक बार रिविजन कर लो, डिविजन अच्छा रहे, कोशिश हमारी यही रहेगी। हाँ आगे मुल्क राज आनंद, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल का संबंध किससे है। आप जानते हो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम, जो रोमांटिक पोएट्री की स्थापना किया, उस जॉन किट्स भी रोमांटिक थे, लवर ऑफ नेचर थे, लेकिन इन चारों में से आपको वर्ड्सवर्थ का ऑप्शन आता है तो वर्ड्सवर्थ ही मारेंगे। आइए सी आंसर होगा, सी में तो दिखा नहीं, आप देखेगा एलेन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ। या व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश, याद रखना होगा डियर, 449 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। इट मींस 1066 ओल्ड इंग्लिश का लास्ट टाइम था, बीच में गैपिंग रहा, और 1150 से 1500 तक जो इंग्लिश का पीरियड हुआ वो मिडिल इंग्लिश का पीरियड हुआ। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स, ठीक ना। स्कैंडिनेवियन लैटिन की पूरी पूरी ओल्ड इंग्लिश में प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, और बाद में लैटिन और फ्रेंच की इन्फ्लुएंस हो गई मिडिल इंग्लिश में, और मॉडर्न आते आते तो लगभग सारे देश का शब्द को समाया गया। इंग्लिश सबसे युवा भाषा, यंगर, यंगेस्ट आप कह सकते हो, सबसे युवा भाषा वही है। आगे आइए तो पीरियड इसका मिडिल इंग्लिश का 1150 से लेकर के 1500, मैंने कहा 449 से 1066 ओल्ड का बीच गैपिंग, 1150 से 1500 मिडिल, अब 1500 के बाद मॉडर्न, याद रखिए। सी स्टेप्स टू कॉन्क्वायरर हैज बीन रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई, तो नाम है, नाम तो रटना है। इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत को अकेला कहा गया सरोजिनी नायडू को, तो सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत को अकेला कहा गया, इट मीन सरोजिनी नायडू। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रिगेन क्या है, तो एपिक है, एपिक है, स्टोरी नहीं है, है ना, काव्य के रूप में लिखा गया। या बी विल बी वन कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज कौन सा हुआ इन चारों में, अमेरिकन, मिडिल, ब्रिटिश, नो, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक ना। द रेप ऑफ द लॉ किताब का नाम है, इस रेप का मतलब होता बलात्कार, जोर जबरदस्ती, ताला के साथ सबसे ज्यादा जोर जबरदस्ती होती है, तो इसको लिखा था एलेक्जेंडर पॉप ने, रेप ऑफ द लॉ। हाँ आदेशी, ए आंसर, बहुत याद है, बहुत बच्चा को मार रहा है धराधर, जबकि हम टाइम नहीं दे रहे हैं आज ज्यादा। एंड पॉप स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो है वह जाना गया कौन सी के रूप में, रिसीव्ड लैंग्वेज, रिसीव्ड लैंग्वेज के रूप में, आंसर डी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते उच्चारण, ठीक ना। इंग्लिश यूज 15वीं शताब्दी यानी 1500 के बाद जो की गई वो मॉडर्न या न्यू इंग्लिश कहलाया। आर हाइन है ना, मॉडर्न या न्यू, आंसर यही मॉडर्न या न्यू इंग्लिश हो सकता था। मैकबेथ और जूलियस सीजर किसके द्वारा लिखी गई, विलियम शेक्सपियर, 37 ड्रामा लिखा था इसने, 6 लॉन्ग पोएम, समझते हो ना, और लगभग 54 सोनेट, जो आधे से ज्यादा महिला पर में है, आधे से पुरुषों पर में है, बहुत ज्यादा है ना इनकी राइटिंग एबिलिटी थी, और 52 साल की उम्र में मर ही गए बेचारे, ठीक ना। या तो मैकबेथ जूलियस सीजर शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर, सावित्री श्री अरविंदो घोष, द ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग टुक प्लेस हुआ था किस में। अब आपको मैं बताऊं, ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज कहा गया या चाइल्डहुड पीरियड कहा गया, उसमें ज्यादा इंग्लिश का विकास तो हुआ नहीं था। मिडिल इंग्लिश के पीरियड जब आई 1150 से लेकर 1500 तो बहुत सारे राइटर्स भी आए। आप जानते होते हैं कि एलिजाबेथन स्कॉलर्स जो थे, वो एलिजाबेथन स्कॉलर्स सबको ही यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया था।
The immediate predecessors of William Shakespeare were known as University of Wits. They were known as John Lilly, Thomas Kidd, Robert Greene, Christopher Marlowe, etc. Now, ये सब थे एलिजाबेथन स्कॉलर्स. नाउ तो ग्रेट वॉल शिफ्टिंग जो हुआ था मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई कैक्सटन के द्वारा. विलियम कैक्सटन का पूरा नाम था. 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई. मिडिल ईस्ट के पीरियड के दौरान ही वॉवल शिफ्टिंग हुआ, प्रोनाउंसिएशन को सुधारा गया, ग्रामेटिकल अपना रूप लेना शुरू कर दिया और लिटरेचर के रूप में भाषा को मानी गई. ये सब याद रखना पॉइंट को. तो ग्रेट वॉवल शिफ्टिंग किस में हुआ था, मिडिल इंग्लिश पीरियड में. इज कॉल द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल. मॉडर्न नॉवल के फादर कौन कहलाए, तो अपनी बुक आप देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रिचार्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल. लेकिन नेट पर मैं फील्डिंग का भी वर्णन कर दिया है. जब नहीं देगा रिचार्डसन तब फील्डिंग ऑप्शन में चुनोगे, और दोनों रहेगा या केवल रिचार्डसन रहेगा, रिचार्डसन को पहले दोगे, आपके बुक के हिसाब से ही आंसर शीट बनते हैं बोर्ड में. नेट पर क्या होता है, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई और पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रहा है, और कभी कभी टिपों के किसी को आ जाता है, तुम जिसको टिप दिया हो दिखाई पड़ेगा. तो अपने अपने वक्तव्य होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने स्टाइल्स होते हैं. आगे आइए, तो यहाँ पर मैं इज कॉल रिचार्डसन, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ रिचार्डसन. ये नहीं होते तो फील्डिंग की ओर जाते हम लोग, कि दोनों साथ काम किए थे लेकिन फादर वो कहलाए. द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट बाय, किसके द्वारा, तो बोले थे थोड़ी देर पहले, कैक्सटन, यानी विलियम कैक्सटन. कब, इसी पूजा था 1476. ओके, कैक्सटन. मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स, ये दोनों कहाँ के थे नॉवलिस्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश है, अमेरिकन, अमेरिकन थे. मिडिल ईस्ट में कितने डायलेक्ट्स, याद रखना मिडिल ईस्ट में चार डायलेक्ट्स होते हैं, सॉरी पांच मिडिल में, और ओल्ड में चार थे. ओल्ड में चार, मिडिल में एक बढ़ गया, और मॉडर्न में तो डायलेक्ट्स, वो भाषा रहे ही नहीं, क्षेत्रीय भाषा रही नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया. तो दो भाषा, मिडिल में पांच, फाइव, और ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट, फोर. एस वेडनेसडे टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई, सर है ही नहीं, आएगा ना, आएगा ऑप्शन दो, ऑप्शन 50-50 में नहीं आया, आएगा नेक्स्ट 50-50 में, है ना. टीएस एलियट, इंग्लिश अजेज इन चाइना, इंग्लिश का प्रयोग चाइना में किस रूप में चारों भाषा में किया गया, इसका आंसर आप लोग दे सकते हो. चलो देव आंसर दिया हुआ है ही. तो मैंने कहा था नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच ए चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, ब्राजील एटसेट्रा, इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरन लैंग्वेज के रूप में. आंसर सी. 18वीं शताब्दी जो था वह पब्लिश्ड एज ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी को पब्लिश किया था. इन चारों नाम में से कौन, सैमुअल जॉनसन. ये तो याद रखना है, नेम वाला के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं. तो मेरे बच्चे, तब तक अगली क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं वाटर डाल लेता हूं. अब रखना पड़ता है, लैंग्वेज भाषा की क्लास है ना, सब बहुत ज्यादा फ्लुएंटली बोलना पड़ता है. कभी कभी मूड में हम लोग होते हैं तो और तेजी से इंग्लिश निकलती है. एंड यू हैव डिसाइड टू बूस्ट अप योर पर्सनालिटी एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट अप जरूर करना. English is a global language and you have to learn English. You can, but time will be taken, money is taken, and you will have to practice. Practice means kriya ka roop, a practice noun ka roop hai. Dhanyawad. To Babu Ray Charles Dickens novelist the kaun century ke 19th. चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवल पढ़ाई होती थी डेविड कॉपरफील्ड, अब तो नहीं है, अब नॉवल हटा दिया, 100 की इंग्लिश हो गई. पहले 150 नंबर की इंग्लिश होती थी, दो पेपर, 50 की हिंदी, अब हिंदी भी कर दिया 100. इतना स्तर घटा दिया है, क्या जरूरी था मैट्रिक तक जो भाषा हुई हुई. आप CBSE में देखो, हिंदी नहीं है इंटर से, हिंदी होनी नहीं चाहिए, जबरदस्ती भाषा को बढ़ा दिया और आपको लेबर करवा रहा है. और इंग्लिश को कभी अलग मत मानिए, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश जरूरी होगा. एयरफोर्स के वाई ग्रेड में भी आइएगा तो 50% इंग्लिश ही रहेगा. एयरफोर्स, नेवी, BBA, जितने में आप जाओ, जितने ऑफिसर्स आपके हैं सेकेंड ग्रेड के SSC के द्वारा, चाहे ऑडिट ऑफिसर हों,
पोस्टल इंस्पेक्टर हों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हों, इवन क्लर्क एसएससी यूडीसी एलडीसी सब में इंग्लिश पेपर है। रेलवे में ग्रुप डी में नहीं है तो आप ग्रुप डी एक प्रकार का मजदूर का जॉब होता है ना, तो उन ग्रुप डी को छोड़ करके सब में आप जाइए इंग्लिश मिलेगी। सर बैंकिंग क्वालिफाइंग है, एक तो ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग है और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करेंगे दूसरी कॉपी जांची तक नहीं जाएगी, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। आप भोजन और अंग्रेजी को साथ साथ ले चलिए, ठीक ना। 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, अब भाषा का नाम देगा सबसे युवा भाषा कौन है, अरे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबिया है ना, ये सब भाषा हजारों हजार साल पहले की लिपि है देवनागरी वगैरह, लेकिन इंग्लिश सबसे लास्ट क्यों, 449 से तो इसका प्रभाव शुरू हुआ था, जर्मनिक लैंग्वेज था है ना। आगे तो आ जाइए, चार ऑप्शन में संस्कृत भी नहीं, सबसे युवा भाषा इंग्लिश है। द एपिक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड हैव बीन रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा लिखी गई, तो याद होगा जॉन मिल्टन इसका पूरा नाम है। आगे पार्ट्स एंड प्लोमैन लैंगलैंड के द्वारा, तो नाम है, नाम को तो याद रखना है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, ये सब तो क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में भी है बहुत सारा क्वेश्चन, बस बस देखते रहो आगे देखो। द गीतांजलि, आप गीतांजलि तो आप जानते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, लिखा गया किनके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर डी। द वेस्टलैंड हैज रिटन बाय, चार ऑप्शन मैं दे रहा हूं, चलो वेस्टलैंड टीएस एलियट, नहीं टीएस एलियट आंसर को देख लेना है बाद में भी उसे नाम याद रखो। द पीरियड ऑफ इंग्लिश कॉल्ड डार्क एज या चाइल्डहुड पीरियड, जा देखना डार्क एज का पीरियड या चाइल्डहुड बचपना पीरियड इंग्लिश का कौन सा था, जन्मा था 449 से 1066 तक, ठीक ना, यानी ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, मिडिल नो, मॉडर्न नो, ओल्ड सी, या व्हिच थिंग हैज एनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वोकैबुलरी को कौन से रिच बनाया, संपन्न बनाया, अरे बोरोइंग, बोरो बने होता उधार लेना, इंग्लिश अपनी भाषा से नहीं है, सब देश से उधार लिया, तू दे दो तू दे दो तू दे दो, सारे देश के भाषा को स्क्रिप्ट फॉर्म में लिख करके उसका मीनिंग लगा दिया और बन गया, जैसे गुरु, अब गुरु हिंदी शब्द है ऐसे इंग्लिश समाया है, टीचर भी होते हैं गुरु, देखते हो ना, ठग, धोती, साड़ी डायरेक्ट उसमें घुसा हुआ है, तंदूरी डायरेक्ट घुसा हुआ है, इसे चॉकलेट बारकोनी वगैरह देखते हो अलग है, ये सब कई इटली का शब्द है, कोई जर्मन है, कोई ये लैटिन है, कोई फ्रेंच है, सारे भाषा को मिला करके आपको बना है, इसलिए देखिए हमने क्लास लिया था ए बोरोइंग, बोरोइंग मैंने उधार लेकर के। द वर्ड कोलर, कलर, अकल कोलर, ये कलर जो है सब ब्रिटिश इंग्लिश है देख लो, अ कोलर जो है अमेरिकन इंग्लिश है, अंतर है, जैसे मकान में आप लोग देखते हो नीचे वाले को अपने लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, और तब कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, अमेरिकन लोग कहते हैं नीचे वाले को फर्स्ट फ्लोर, अमेरिकन और उसमें अंतर होता है, अपने लोग कहते हैं पेट्रोल, अमेरिकन कहता है गैस, दिस इज नेचुरल गैस, ठीक ना, इस तरह से अंतर है। आगे आइए, तो कोलर सब जो है सो अमेरिकन है और कलर ब्रिटिश शब्द है, तो केवल कलर पूछे तो ब्रिटिश और कोलर पूछे तो अमेरिकन। इंडीमियन एंड हाइपेरियन दोनों जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द है ना इंग्लिश टीचर आर रिटन बाय, एक मिनट आर के नारायण, इसमें थोड़ा आंसर एक मिस्टेक टाइप हो गया होगा, ए मार लेना, हाँ एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, इसको ले लीजिए, शंतावन नंबर, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ
ये प्लिगमस प्रोग्रेस हम लोग पढ़ाए थे, मॉडर्न नॉवल है, और हिंदी में बंकिम चंद्रा राजमोहन स्वाइफ पहली था हिंदी राइटर का, ठीक ना। बी, वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में सबसे प्रभाव डालने वाला कौन था? लैटिन और फ्रेंच। ये सब फ्रेंच है ही नहीं तो लैटिन, और सब फ्रेंच सब 7500 वर्ड अभी भी यूज में है। स्कैंडिनेवियन और लैटिन रह गया था ओल्ड में, इधर आकर के लैटिन एंड फ्रेंच हो गया था, तो लैटिन फ्रेंच तो है नहीं, इसलिए इसके आधार पर लैटिन। लैटिन 59 विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। हम लोग के लिए कॉमन लैंग्वेज कौन बन गया? अमेरिकन, मिडिल, ब्रिटिश, नो, ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसको न्यू इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। आगे चलिए, नेक्स्ट, व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। कौन सी भाषा इसमें जो है हमारा देसी भाषा नहीं है? अरे हिंदी अपना देसी भाषा है ही भाई, मलयालम, तमिल, ये सब अपना देश में है, इंग्लिश भाषा अपनी नहीं है, जो हम लोग भले ही संविधान में इसको डाले हुए हैं, कौन सी के रूप में? एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं, 60 का ए, बहुत अच्छा। ये तो एक वैसा ही क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ये आपको महात्मा गांधी की जीवनी से है ना। 1915 से 1948 के बीच में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राजनीति में अपने आप को समर्पित कर दिया था? वो महात्मा थे साबरमती आश्रम में। तो ये वैसा ही आपको लॉजिकल क्वेश्चन एक आठ दे देता है, एम गांधी इट मीन्स महात्मा गांधी। कौन सी ऐसी भाषा है जो ग्लोबल लैंग्वेज हो गई, विश्व की भाषा? अब ऊपर ही पॉइंट में देख चुके थे, ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को कहा गया है ना, ए, ठीक है। पार्ट्स एंड प्लोमैन को लिखा लैंगलैंड, ये तो नाम याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन चारों में से कौन सा लिखा? गीतांजलि, मैकबेथ और शेक्सपियर, सावित्र अरविंदो घोष, मैकफ्लेकनो, किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन, ये सब नाम है। हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन स्कॉलर्स रहे, एलिजाबेथन स्कॉलर्स देना, और नहीं तो यहाँ पर हो सकता है द इमीडिएट प्रेडेसर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के तत्कालिक पूर्व के अधिकारी, नोन एज जॉर्ज लिली, थॉमस कीड, रॉबर्ट ग्रीने, क्रिस्टोफर मार्लो एटसेट्रा, ठीक ना। यहाँ पर एलिजाबेथन स्कॉलर्स। आगे आइए 66 के बाद 67, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स किनके हैं? कमला दास, ये तो नाम है, ये इनके ही हैं। द ईयर 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ, आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 449 एडी से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश का था, अंतिम किसका हुआ? ओल्ड का ना, ए, आहा, एक मिनट, यहां भी मिस प्रिंट है, ये अंतिम किसका है? एंड का, ओल्ड इंग्लिश का, आंसर बी, ठीक ना। और रहता है 1150 से 1500, तो मिडिल का पीरियड हुआ, अब 1500 के बाद मॉडर्न का हुआ। 68, चित्रा को किसने लिखा, ट्रांसलेट किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ठीक है। व्हिच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत का दूसरा भाषा कौन है, या सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन है? तो इंग्लिश, इंग्लिश। फर्स्ट जो है आप जान लो, पूरे संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा है, द्वितीय भाषा उर्दू को भी लिया गया, लेकिन सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को ही लिया गया, इसीलिए इंग्लिश को आप पूरा रूप से हटा नहीं सकते हो जड़ से। हिंदुस्तान है, हिंदी की प्राथमिकता है, ठीक है, लेकिन आपको व्हाइट कलर जॉब चाहिए अच्छे पद पर में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए, बहुत सारे देश विदेश घूमने के लिए, जाने के लिए, उसको परखने के लिए इंग्लिश को लेना ही पड़ेगा, ठीक ना। ए, इंग्लिश। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश डैट डेवलप्ड इन अमेरिका, नाम है अमेरिका, जो न्यू वेराइटी इंग्लिश अमेरिका में डेवलप हुआ वो अमेरिकन इंग्लिश कहलाएगा ना। बी,
Which thing has been enriched the vocabulary of English? English ke vocabulary ko enrich kaun se kiya? To aapne abhi tot padha tha thoda der pehle borrowing. Borrow mane lena, udhar lena. Har ek desh ka shabd ko liya gaya borrowing. Color world, ye color shabd jo hai, ye kahan ka hai shabd? To British English ka ki American ka? Color. अभी थोड़ी देर पहले बताया था सी ओ एल ओ यू आर कलर, कलर जो है ब्रिटिश का, कॉलर जो है जैसे कॉलर टीवी अमेरिका का है, ठीक ना। डी आहा रुक जाओ, ब्रिटिश बी को डी कर दिया, टाइपिंग इसमें थोड़े से रॉन्ग किया है, बी ब्रिटिश, कलर ब्रिटिश है और कॉलर अमेरिकन है, ध्यान रखना, ठीक ना। आगे What is the main language of United Nation? United Nation का main language क्या है? UK, USA, Australia, New Zealand, सबका English mother tongue के रूप में है, है ना, French नहीं, German नहीं, है ना, English. Who wrote the Lotus? Lotus को किसने लिखा? तोरु दत्त, ना तोरु नहीं, तोरु दत्त, ये B. The development of was helped by the introduction of printing technology. अब आंसर इसमें मिडिल, मॉडर्न, ओल्ड या नन। आपको तीन पीरियड बताया था, पहला था वो चाइल्डहुड पीरियड था, डार्क एज था 449 से 1066, और 1150 से जब मिडिल इसका पीरियड हुआ तो उसी में हुई थी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, उसी में स्टैंडर्डाइज वोकैबुलरी जो आए थे, वही लिटरेचर का क्षेत्र था जहां से लिटरेचर डेवलप हुआ। इस सब के लिए आंसर मिडिल इंग्लिश होगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मिडिल इंग्लिश में हुआ था शुरू। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, आगे आंसर 449 से 1066 सही है। आंसर मैन जी वी शॉ, कौन ऐसी है भाषा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मिडिल इंग्लिश में रहा? तो मिडिल इंग्लिश में लैटिन और फ्रेंच रहे, ओल्ड इंग्लिश में पूछेगा तो लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, बाद में लैटिन और फ्रेंच, और मॉडर्न आते आते तो सारा देश का भाषा लगभग समा गया। अब अंग्रेज घूमते घूमते गया और चूरा देखा कुटते हुए, कहा व्हाट इज दिस, कहा दिस इज बीटन राइस, ये राइस का पीटल पाटल रूप है, यानी चूरा, देखते हो। ए लैटिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवल है जो लिखा गया किनके द्वारा, जेन ऑस्टेन, सब तो नाम है, डायरेक्ट याद रखोगे, जहां गड़बड़ी होगी कोई मिसप्रिंट तो हमने संभाल दिया है, है ना। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा कौन सा आया था, ग्रीक शब्द से, जिसका मतलब पूछता था थिंग डन, उसका क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और इसका सिनोनिम क्या है ड्रामा का, प्ले, याद रखना है, है ना। ग्रीक 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 इंटर, हाँ इंग्लिश क्या है लैंग्वेज, इन चारों में से क्या अफ्रीकन है कि यूरोपियन है कि अमेरिकन है कि इंटरनेशनल है, अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए आंसर सी। क्रॉसिंग और रिवर्स किसने लिखा था मालूम, आप कविता वाले में पढ़े होंगे के एन दारू वाला, ये नाम इसमें भी डाल दिया है, चूंकि नामिंग से कहीं पर पूछ देता है पोएम से, पोएट से, नॉवल से, तो नाम उतना याद नहीं रहेगा, छोड़ देना, मैं 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ किताब से, दो चार इजी जो बन जाए स्टडी ऑफ इंग्लिश से बना लेना, और नहीं छूटने वाला छोड़ देना, सब तो क्या करेंगे, अरे 40 क्वेश्चन में कम से कम 5 गो नहीं भी बनेगा, 35 हुआ और 5 माइनस कर लो, 30 बनाओ, 61 से लेकर 100 के बीच लगभग रहता है, कभी कभी नंबर को काट के ऊपर नीचे भी किया जाता है, किताब से आपको 40 क्वेश्चन में 30 ही हम टारगेट देते हैं, बन जाएगा थोड़ा भी पढ़े तो, और 20 ही आप ग्रामर से बनाओ, 50 पूरे 100 में से आपको क्या करना है, देखो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स के अंदारू वाला ठीक है। हु रोट हकलबरी फिन, 2021 में पूछ दिया था, मार्क ट्वेन, गोल्ड स्मिथ एंड सेडन मेड कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में उनका योगदान था। ओल स्वाइंग का क्या बार पढ़े हो, मॉडल में भी आया था अपने यहाँ का, 5 मॉडल बनाया हो, नाइजेरियन पोएट थे, नाइजेरियन राइट थे, राइटर थे, इंडियन नो नाइजेरियन या 86। बस हम लोग 5 से 7 मिनट और लेंगे, 26 जनवरी है, थोड़ी जल्दीबाजी में थे इसलिए हमने तरीका ढूंढा जहाँ गलत था, टाइपिंग जल्दी जल्दी कर करके सेट किया था, कलम चेक नहीं कर सका था, ठीक ना। आगे मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, ये ग्रेट बाउल शिफ्ट को ही मेजर लिंग्विस्टिक चेंज कहा गया, जब तक बाउल शिफ्ट ही नहीं होता था तब तक चेंजिंग तो आती नहीं, वहीं से आपका ग्रामर का सूटेबिलिटी, वर्ड का सूटेबिलिटी, उच्चारण वगैरह आया, अतः आंसर ये सही है। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा, अरे चाओ सर, ठीक ना,
The 20th century English poetry is more sensitive to, बहुत ज्यादा sensitive है. ये भी question आपको model में आ गया था, crisis of modern life, love के लिए नहीं, modern life crisis के बारे में. The word drama means, drama का मतलब क्या, किया गया कार्य, thing done, सही है. B, कौन से देश है ना, in which country, in which century, कौन से century में Indian English existence अस्तित्व में आया था. 18वीं शताब्दी से आना शुरू हो गया, 19वीं शताब्दी में फैल गया और 20वीं शताब्दी तक कुछ देना नहीं, इंट्रोडक्शन हो गया था 18वीं में आ गया. कौन सा लैंग्वेज जो है हमारी भाषा नहीं है, तो हमारी भाषा नहीं है इंग्लिश, बंगाली तो है, हिंदी मराठी तो है, अतः इंग्लिश. क्वेश्चन को दो बार पूछा, एक आध ऑप्शन बदल दिया, उससे कोई मतलब नहीं इंग्लिश. आगे, हु आर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, एलिजाबेथ एज में सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट कौन थे, विलियम शेक्सपियर सातवां ही पास थे, 18 वर्ष के थे, तीन की पत्नी 26 साल की मिली, एडजस्टमेंट खूब बढ़िया नहीं था, परंतु लंदन गए अपने आप को 1592 तक एक ग्रेट एक्टर के रूप में स्थापित कर लिया और तब ड्रामाटिस्ट के रूप में उतरे, किताब लिखे 37 ड्रामा किताब लिखा, बार बार मैंने नोटिस किया है, याद रखिएगा, ठीक है. तो विलियम रेडी शेक्सपियर या 94 has its own rested pronunciation. इनमें से रेस्टेड प्रोनाउंसेशन किसकी है, जर्मन की रशियन का, कि हिंदी का, इंग्लिश का, इंग्लिश का सबसे ज्यादा प्रोनाउंसेशन रिसीविंग किया इंग्लिश. आगे, अनटचेबल एंड कोली किसके द्वारा, मोल्कराज आनंद, एम आर आनंद आएगा, मोल्कराज आनंद, ठीक है. यहीं पर हम लोग एक ब्रेक लेंगे, कल परीक्षा है, आप याद रखिएगा. फिर से मैं नोटिस कर रहा हूं, 27 कल है और 29, जय, ये पहली है, ये दूसरी है, 12 बजे से 4 पीएम तक, शाम तक एक एक घंटे का टेस्ट होगा, आप जब से उठा लो तब से शुरू हो जाओ. ये क्वेश्चन सबको सब नहीं दिखेगा, जो लोग जाएगा. इसके लिंक पाने के लिए आप एक वीडियो छोटी सी डाली हुई है, 15-17 मिनट या 14 मिनट कुछ होगा ऐसा ही, ऑफिशियल वीडियो है, ये टेक्निकल स्टाफ ही वो वीडियो को बनाते हैं, ठीक, उन लोग को ज़्यादा नॉलेज होती है, हम लोग सिर्फ पढ़ा सकते हैं. वो वीडियो को बार बार देखोगे, लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर जाओगे, अपने आप आ जाएगा ऐप. अब बहुत लोग कहते हैं सर ऐप खुल नहीं रहा है, वो केवल टेस्ट के लिए खुलेगा, 12-12-5 बजे आकर खुल जाएगी और टेस्ट होगी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि पेड चैनल नहीं ने फ्री कर दिया सबके लिए, चाहे पहले से थे ऐप पर या नहीं थे, बस टेस्ट पेपर का ऑप्शन, अपने आप सारा चीज देख लीजिएगा और इसके बीच में आइएगा, अपने कैलकुलेशन होकर अपनी जांच अपने स्वयं कीजिए. बहुत पढ़े उड़े ये टेस्ट हम ही लोग लेते हैं, सब लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है. अब देखा देखी कर ले लो, ऐसा थोड़ा सा देखते रहेगा. बाकी लॉन्ग शॉट का भी हम आंसर शीट डाल देंगे 29 को, उसी के पीछे गेस भी रहेगा, फाइनल 4 पेज का गेस भी उसी दिन हम डाल देंगे 29 को. आप डाउनलोड करके एक नजर देख लीजिए, सब तो एटम बम में और उसमें है ही लगभग लगभग चीज. बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक.